मैं नमस्कार। औद्योगिक कृषि संस्थानों के व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रश्न लैथ मशीन एवं लैथ मशीन ऑपरेशन का परिचय पर आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। लेथ मशीन आपका परिचय आता है प्रस्तावना में। परिचय लेथ मशीन क्या है, इसका ये परिचय है। लेथ मशीन के द्वारा कोई भी हम गोल जॉब उसको जो है टर्न करते हैं, यानी टर्न मतलब होता है घूमना। फिर आता है इसमें लेथ मशीन का वर्गीकरण। तो ये जो घूमने वाली मशीन है इनमें क्या है, मशीन नहीं घूमती, इसमें एक साधन लगा होता है, उसको बोलते हैं उपसाधन, जैसे कि लेथ चक। तो लेथ चक में जॉब को बांधा जाता है, वो लेथ चक जो है घूमता है, उसके साथ साथ जॉब भी घूमता है। तो उस प्रकार से उसकी फिक्री या मशीन जो है वो आगे ऑपरेशन की करती रहती है। इसके बाद आता है लेथ मशीन का ऑपरेशन। लेथ मशीन बहुत सारी होती हैं, उसके साथ साथ लेथ मशीन में जो मशीनें होती हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो हम आगे आपको बताएं। पहले स्टार्टिंग में आपने टॉपिक था हमारा लेथ मशीन का वर्गीकरण। तो लेथ मशीन का वर्गीकरण में पहले हम लेथ मशीन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि लेथ मशीन के बारे में नहीं जानेंगे तो ऑपरेशन से हमें हम उसमें जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो पहला आता है हैंड लेथ। हैंड लेथ क्या होती है, हाथ से चलाने वाली छोटी छोटी लेथ मशीन होती है, उनको हम हैंड लेथ बोलते हैं, क्योंकि हैंड से चलाने के लिए है इसलिए उसका नाम हैंड लेथ पड़ गया। उसके बाद आता है बेंच लेथ। बेंच लेथ क्या होती है, बेंच होता है जिस प्रकार से फिटर वर्कशॉप है या हमारा टर्नर वर्कशॉप है, उसमें छोटी छोटी बेंचें होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमारा जो है बाइस होती है वो बेंच पर लगी होती है, तो इसी प्रकार से लेथ मशीन में एक छोटी मशीनें होती हैं जो हम उसको बेंच पर लगा लेते हैं। तो बेंच पर लगा लिया तो उसका नाम बेंच लेथ हो गया। तो इस प्रकार से उनका नाम हम बेंच लेथ रख दिए। अगला है सेंटर लेथ। टर्नर व्यवसाय में सबसे मुख्य रूप से सेंटर लेथ का ही कार्य है। सेंटर लेथ, सेंटर का लेथ इसलिए इसको रखा गया है कि सेंटर जो भी जो बनता है एकदम बिल्कुल वो सेंटर से बनता है, उसमें उसके किसी भी डाई में उसका जो ऑपरेशन होते हैं उसमें कोई भी ओवल्टी डिफरेंस नहीं आता है, हर चीज़ उसमें सेंट्रलाइज रहती है, इसीलिए इसका नाम सेंटर रखा गया। अर्थात लेथ आपके जो लेथ मशीन का हेड स्टॉक है और टेल स्टॉक है दोनों का अलाइनमेंट बिल्कुल सेंटर में होता है। यदि हम आपके हेड स्टॉक वाले में लाइव सेंटर लगाएं और टेलीस्टॉक में डेड सेंटर लगाएं और दोनों को हम मिलाएं तो देखेंगे कि लाइव सेंटर और डेड सेंटर बिल्कुल एक लाइन में होते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है आपका लेथ मशीन सेंटर लेथ मशीन। अगला आता है टूल रूम लेथ। टूल रूम लेथ क्या होता है, टूल रूम लेथ सेंटर लेथ जैसी ही होती है, पर फर्क क्या होता है, ये लेथ सेंटर लेथ की अपेक्षा बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी प्रदान करती है और ये मशीनें जो है आपके टूल रूम में उपयोग में लाई जाती है। टूल रूम कहाँ होता है, जहाँ पे वर्कशॉप होती है बहुत बड़े, जहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन या विभिन्न प्रकार के जो बनाए जाते हैं वहाँ पे ये टूल रूम लेथ होती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी में आपको जॉब देना होता है। टूल रूम में ये मशीन विभिन्न प्रकार के गेज भी बना कर तैयार करती हैं। अगला आता है प्रोडक्शन लेथ। प्रोडक्शन पार्क में जहाँ बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, विभिन्न प्रकार के जॉब बनते हैं, विभिन्न प्रकार के आपके कंपोनेंट बनाए जाते हैं, वहाँ प्रोडक्शन लैब बनते हैं। फिर आता है ऑटोमेटिक लैब। ऑटोमेटिक लैब ये भी विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस में जो है प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद आता है स्पेशल पर्पज लैब। स्पेशल पर्पज लैब हिंदी में बोलते हैं विशेष प्रयोजन लैब। इनका मुख्य कार्य एक ही होता है कि ये विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि विशेष प्रयोजन जैसे कि क्रैंक शाफ्ट होती है, वो विशेष टाइप होती है अलग, उसको हम सामान्य लैथों पे उस पर हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर पाते। स्पेशल लैथ को केवल क्रैंक शाफ्ट वाली वेबसाइट ही बनाती है। अगला आता है आपका कैप्सटन लैथ। तो लैथ बहुत सारी मशीन से बताएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन कैप्सटन लैथ जो आता है उसमें टैलेंट लैथ। ये सब लैथ विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन को संपन्न करने के लिए, कार्य को जल्दी करने के लिए, शुद्धता में करने के लिए लैथ मशीन का जो है नई लैथ मशीन का निर्माण किया गया। और आजकल तो आधुनिक रूप में सीएनसी लैथ मशीन आ गई है। अब आते हैं हम लैथ मशीन ऑपरेशन। जो अभी लैथ मशीन के बारे में बताया था
उससे रिलेटेड सारे ही ऑपरेशन, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो आपके किसी ना किसी प्रोविजन से किए जाते हैं। जैसे पहले आता है प्लेन टर्निंग, फिर आता है फेसिंग या सरफेसिंग, अगला आता है टेपर टर्निंग, फिर आता है एसेंटिक टर्निंग, फिर आता है बोरिंग, और उसके बाद आता है नर्लिंग, फिर आता है थ्रेडिंग, फिर आता है पार्टिंग ऑफ, उसके बाद आता है चैम्फरिंग, फिर आता है डिलिंग। इस प्रकार से बहुत सारे ऑपरेशन, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपको एक स्लाइड दिखाई दे रहा है, ये इस स्लाइड में जितने भी मशीन के ऑपरेशन हैं इसमें लगभग दिखा रखे हैं। जैसे आप देखेंगे, हम स्टार्ट करते हैं एक साइड से, एक साइड में लिखा हुआ है आपको बीच में लिखा है टर्निंग लिखा हुआ है, तो ये भी एक क्या है ऑपरेशन, आपका प्लेन टर्निंग वाला ऑपरेशन है। तो ये टर्निंग आपको दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कैसे टर्निंग किया। टर्न का मतलब होता है चक में पकड़ के धातु को हम घुमाते हैं और किसी टूल के माध्यम से उसके ऊपर से फालतू जो धातु हटाई जाती है वो प्लेन टर्निंग कहलाती है। उसी प्रकार से आपका फेसिंग में भी आप देख रहे हैं सामने से टर्न किया जाता है, सामने से मटेरियल हटाया जाता है, उसको फेस बोलते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं एक साइड में पार्टिंग आप लिखा हुआ है, पार्टिंग आप में क्या होता है, कोई लंबे जाब जब होते हैं तो उनको जो है हम क्या करते हैं, बीच में दो भागों में काट दिया जाता है। फिर आता है थ्रेडिंग एक संरचना होती है, चूड़ी नुमा होती है, जैसे धागा कोई एक सिलेंडर जो पर हम लपेटे हैं तो वो थ्रेड टाइप का दिखाई देता है। अंडरकट होता है, टेपर होता है, रेडियस भी होता है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे ऑपरेशन आपको चित्र में दिखाए गए, जिसको हम आगे को एक्सप्लेन करते हैं। पहले आता है प्लेन टर्निंग। प्लेन टर्निंग क्या होती है, टर्निंग इज ए फॉर्म ऑफ मशीन ए मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, यानी कि टर्निंग एक किसी धातु से फालतू मटेरियल हटाने का प्रोसेस है। विच इज यूज टू द क्रिएट रोटेशनल पार्ट बाई कटिंग अवे अनवांटेड मटेरियल, अनचाहा मटेरियल, यानी कि जो धातु रोड के ऊपर मटेरियल के ऊपर एक्स्ट्रा धातु है उसको हम द टर्निंग प्रोसेस रिक्वायर टर्निंग मशीन और लैथ परफेस फीचर एंड द कटिंग टूल, एक कटिंग टूल की सहायता से उस फालतू धातु को हटा देते हैं। तो कहने का अर्थ है टर्निंग क्या होती है, किसी भी घूमती हुई जाब से वो अगर हमारे चक में जो बंदी है घूम रही है, जो भी घूमेगा हमारा चक घूमा तो चक के साथ जो घूमती रहती है, तो किसी घूमती जाब से टूल के द्वारा फालतू धातु हटाने की जो क्रिया होती है वो टर्निंग कहलाती है, टर्निंग कहलाती है, और इस पर काम करने वाले को टर्नर बोला जाता है। ये आपका इसको प्लेन टर्निंग बोलते हैं। अगला आता है फेसिंग। फेसिंग क्या होता है, फेस मीन्स सामने से, क्योंकि हम जॉब जब बनाते हैं तो जॉब को हम जो उसका लेंथ होती है, जैसे कि मान लीजिए हमारा 100 mm का जॉब बनाना है तो जॉब को हम हमेशा 105 का ही कटिंग करते हैं। कारण क्या है कि जब फेसिंग करेंगे तो जो हमारा जॉब की लंबाई वो मेंशन नहीं हो पाती है, जब जॉब की लंबाई मेंशन नहीं हो पाती है तो फेसिंग को करना पड़ता है। तो फेसिंग की जो प्रोसेस है वो फेसिंग जॉब के सेंटर के सेंटर अंदर से बाहर की तरफ की जाती है। हम टूल लगाते हैं टूल पोस्ट में और जॉब को चक में बांधते हैं और उसको प्रोसेस को शुरू करते हैं। दैट इज जैसे लिखा है इसमें, फेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेटल फ्रॉम द एंड ऑफ वर्कपीस टू प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस, यानी सम फ्लैट चपटी सतह से उसको सामने से टूल द्वारा हटाया जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम द वर्कपीस इज सिलेंड्रिकल, प्राय जो फेसिंग क्या है, प्राय जो वर्क लिखा है सिलेंड्रिकल, गोल जॉब जो होते हैं उसमें हम फेसिंग कर सकते हैं, लेकिन लैथ मशीन ऐसी मशीन है उसमें हम चौकोर जॉब हैं, टेढ़े मेढ़े जॉब हैं, उसका भी हम उसको फेस कर सकते हैं। बट यूजिंग ए फोर चेक यू कैन फेस रेक्टेंगल और ऑर्डर सेफ पर टू फॉर्म कर्व एंड अदर नॉन सिलेंड्रिकल शेप्स, डिफरेंट टाइप की शेप्स को हम फेसिंग कर सकते हैं। तो फेसिंग में मुख्य जो उद्देश्य है, वो फेसिंग का मुख्य उद्देश्य होता है जॉब की लंबाई को मेंशन करना। अगला आता है टेपर टर्निंग। देखिए इसमें टर्निंग बहुत मुख्य रूप से टेपर टर्निंग हम जो है यूज में लाते हैं। टेपर टर्निंग क्या होती है, टेपर टर्निंग ये कॉनिकल सतह होती है, कॉनिकल रूप में एक जॉब को बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक तरफ उसमें डाया ज्यादा होता है, एक साइड में डाया कम होता है, उसमें जो बीच में आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको एक ढाल नुमा सतह दिखाई देगी,
यानी एक कोणीय सतह दिखाई देगी। इसकी कोणीय सतह को हम क्या कहते हैं, टेपर बोलते हैं। तो इसकी हम क्या, उसकी परिभाषा है वो क्या है, द टेपर टर्निंग इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑन कॉनिकल सरफेस बाई ग्रेजुअल रिडक्शन इन द डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल सरफेस। कहने का अर्थ है कि इस बार हिंदी में बताएं आपको, तो हिंदी में होता है टेपर टर्निंग क्या होता है कि एक समान दर से घटोत्तरी या बढ़ोतरी, किसी जॉब में एक समान दर से एक तरफ से घट रहा है एक तरफ से बढ़ रहा है, एक समान दर से घटोत्तरी बढ़ोतरी की जो दर होती है रेशियो होता है तो हमारा टेबल टर्निंग कहलाता है। टेबल टर्निंग करने के हमारे बहुत साधन है, साधन जैसे कि हमारा फॉर्म टूल। फॉर्म टूल में क्या होता है, उस सकल नुमा फॉर्म टूल को बना लेते हैं, फॉर्म टूल बना लेते हैं जिसके कारण जैसे कि हमने अगर कॉनकेव सतह बनानी है तो कॉनवेक्स टूल बनाना पड़ेगा, और कॉन्वेक्स बनाना है तो कॉन्वेक्स टूल बनाना पड़ेगा। तो उस तरह से इसमें हम फॉर्म टूल द्वारा भी कर लेते हैं। अब इस प्रकार से अगली टेबल टर्निंग किससे करते हैं, कंपाउंड स्लाइड विधि से। कंपाउंड स्लाइड विधि से हम टेबल टर्निंग भी कर लेते हैं। या कैसे करते हैं, कंपाउंड स्लाइड में क्या होता है, वन साइड 45 डिग्री निशान, वन साइड 45 डिग्री के निशान बने होते हैं, तो हम उसको जीरो से दाएं बाएं करके जितने डिग्री का एंगल काटना होता है, टेपर काटना होता है, उतना हम उसको सेट करके मशीन को, कंपाउंड स्लाइड को सेट करके टेपर काटा जाता है। इसी में अगला टेपर टर्निंग का है आपका टेलीस्टोप। टेलीस्टोप के द्वारा भी हम टेपर टर्निंग कर लेते हैं। देखिए इसका एक क्या है कि इसमें टेपर टर्निंग करने में बहुत लंबे जगहों को हम टेपर टर्निंग करते हैं, और भी कॉपिंग अटैचमेंट सिस्टम है, तो इसके इस तरह से इसमें आप टेपर टर्निंग के कई पार्ट्स हैं। अगला आता है एसेंडिंग टर्निंग। एसेंडिंग टर्निंग बहुत टिपिकल एक ऑपरेशन है। इसमें क्या खास बात होती है कि इसमें अभी आपको दिखाते हैं, इसमें आप जैसे चित्र देख रहे हैं, इसमें एक ही सेंटर लाइन पर क्या है कि इसमें दो सेंटर लाइन दी है, एक ही जॉब के अंदर दो सेंटर लाइन दी है, और इसमें एक डाया पीछे बना हुआ जो बड़ा साइज है और एक डाया जो आगे बना हुआ वो छोटा साइज है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक असमान सी दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं एसेंट्रिक, यानी कि सेंटर में नहीं है, सेंटर में तो था बट इसको हमने दो पार्ट में बनाया है तो ये एसेंट्रिक हो गया, यानी कि एक ही जॉब में दो सेंटर पे हम जब जॉब बनाते हैं तो वो एसेंट्रिक कहलाता है। तो इसकी जो परिभाषा आप देख रहे हैं क्या है कि एसेंट टर्निंग इज वन व्हेन ए वर्क इज टर्निंग नॉट ऑन द नॉर्मल सेंटर एक्सिस, लिखा है कि नॉर्मल सेंटर एक्सिस, इसकी जो नॉर्मल सेक्शन जो होती है सेंटर एक्सिस नहीं होती है, इसमें वो बिल्कुल सेंटर से वो चीज़ अलग होती है और उससे ऑफसेट होती है, अलग होती है। तो ये टर्निंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी टिपिकल होता है, जिसको काफ़ी सावधानीपूर्वक इसको किया जाता है। अगला आता है बोरिंग का। बोरिंग क्या है, इन ए मशीनिंग बोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ द इनलार्जेज ए होल, इनलार्जेज मतलब बड़ा, होल माने छिद्र। तो जो बोरिंग प्रक्रिया है वो क्या है कि हम ड्रिल कर लेते हैं, ड्रिल करने के बाद होल बन गया और हमारे पास प्रॉपर साइज का हमारे पास क्या है, ड्रिल नहीं है, तो क्या करते हैं हम, फिर हम बोरिंग टूल बनाते हैं। बोरिंग टूल थोड़ा आगे से मुड़ाव होता है, एल शेप में होता है छोटा सा, तो उसको क्या करते हैं हम टूल को बना लेते हैं, और वो जो किए गया होल है उस किए गए होल को, पहले होल को उसको एक्सटेंड कर देता है, उसको हम बढ़ा लेते हैं, जो जैसा जॉब होगा उसी के हिसाब से उसको बढ़ा लेंगे। तो इसमें दिया है कि इन मशीनिंग बोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनलार्जेज ए होल दैट हैज ऑलरेडी बीन ड्रिल्ड बाय द मींस ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल सच एज इन बोरिंग ए गन बैरल और इंजन सिलेंडर, क्योंकि ये जो बोरिंग सिस्टम है ये आपके इंजन में जो बोर साइज होते हैं उनको बनाया जाता है, और जो है सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं उसमें उसको तैयार किया जाता है, और हमारे पास प्रॉपर साइज ड्रिल नहीं है तो हम टूल द्वारा उस साइज को शेप को उसको बढ़ा लेते हैं और प्रॉपर साइज में अपना ऑपरेशन कर लेते हैं। उसके बाद आता है नर्लिंग। नर्लिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, टिपिकल कंडक्ट ऑन लेंथ बेरे गए पैटर्न ऑफ स्ट्रेट एंगल और क्रॉस लाइंस इज रोल्ड इनटू द मटेरियल। आप समझ रहे होंगे कि नर्लिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टिपिकली कंडक्ट, काफी टिपिकल ऑपरेशन होता है, नर्लिंग टूल के द्वारा नर्लिंग की जाती है। जैसे भी लैथ मशीन में आप जानते हैं जितने प्रकार के ऑपरेशन होते हैं उसी प्रकार के टूलों का निर्माण किया जाता है, तभी हमारा क्या है, तभी हमारे ऑपरेशन संपन्न होते हैं। नर्लिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टिपिकल कंडक्ट, इसमें क्या होता है कि हम जॉब को
चक में बांधते हैं, टूल पोस्ट में नलिंग टूल को बांधा जाता है। बांध करके क्या करते हैं, हम टूल को प्रेस करते हैं, टूल को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो जो पैटर्न होता है नलिंग का वो उस पैटर्न उस पर छपने लगता है। एक तरह से जैसे कि छपाई करते हैं कपड़े पर, उस प्रकार उस पर उसकी साइज की, पैटर्न की साइज उस पर आने लगती है। नलिंग क्या है, नलिंग कोई टर्निंग या वैसी प्रक्रिया नहीं है, ये एक शेयरिंग क्रिया है। शेयरिंग क्रिया क्या होती है, शेयरिंग क्रिया होती है जिसमें मटेरियल को एक्सटेंड किया जाता है, थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। तो इसका फायदा क्या है नलिंग का, नलिंग का फायदा ये भी है कि जॉब सुंदर लगता है पहले बात, दूसरा जॉब की पकड़ उसको यानी कि ग्रिपिंग पावर बढ़ाने के लिए भी होता है, तो जॉब की ग्रिपिंग पावर बढ़ती है। और तीसरा होता है, आप जानते हैं कि जब प्रेस फिटिंग होती है, जब कुछ साफ्ट जॉब फिटिंग में आती हैं तो उसमें नलिंग की जाती है थोड़ा सा, तो उसके बोर में दोनों को फिट किया जाता है। जैसे आप इसको आगे जाके लिमिटेड फिट में पढ़ेंगे, तो इसमें ये कई तरह की होती है, पैटर्न टाइप की होती है, इसमें सीधे सीधे दांतों वाली नलिंग होती है, तिरछी वाली होती है, और ग्रेड के अनुसार ये जो है तीन टाइप की होती है। जैसे कि एक होती है आपकी कोर्स, एक होती है मीडियम, एक होती है फाइन। कोर्स में दांते कम होते हैं उसमें बड़ा पैटर्न बनता है, मीडियम में दांतों की संख्या बढ़ जाती है उसमें पैटर्न उससे थोड़ा क्या है कि पास से पैटर्न बनता है, और फिर आता है मीडियम के बाद फाइन। फाइन वाले में बहुत बारीक बारीक दांते बनते हैं जिससे आगे उसको जो है उसके पॉइंट बनते रहते हैं, वो उससे भी बारीक होते हैं। और रोलर इसमें जो होते हैं वो तीन रोलर होते हैं, कोर्स मीडियम फाइन के, उसमें एक रोलर सेट में एक पेयर बना होता है ताकि जॉब पर लगाने पर वो दोनों रनिंग में रहते हैं और जॉब को बनाते रहते हैं। थ्रेडिंग क्या है, थ्रेडिंग मतलब होता है धागा, थ्रेडिंग धागा से बना है। तो हमारे यहाँ जो लैथ मशीन है, लैथ मशीन पे थ्रेड माने चूड़ी काटना होता है, चूड़ी बोलते हैं। चूड़ी जो होती है वो सिंगल पॉइंट थ्रेडिंग से कटती है। कैसे काटी जाती है, पहली बात परिभाषा क्या होती है इसकी, थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेडिंग किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब, किसी सिलेंड्रिकल जॉब में विशेष कोण पर कटे हुए तिरछे, विशेष कोण पर कटे हुए तिरछे खांचों को क्या है, हम थ्रेडिंग बोलते हैं। थ्रेडिंग मीन्स चूड़ी बोलते हैं। तो इसमें आप जानते हैं कि थ्रेडिंग जो चूड़ी है वो आपकी थ्रेड में धागे से बनी है, जिस प्रकार से किसी गोल जाते अगर धागा लपेटते हैं तो वो बराबर लपेटते तो एक कंस्ट्रक्शन, एक संरचना बन जाती है, उस प्रकार की संरचना ये थ्रेडिंग होती है जो जॉब पर बनाई जाती है, तो चूड़ी कहते हैं। चूड़ी इसको काटी जाती है लैथ मशीन पर, चूड़ी जो काटी जाती है उसमें जो है आपके लैथ मशीन का हेड स्टॉक, उसका लीड स्क्रू, फीड रॉड, उसके जितने भी उसमें एसेसरी लगी हुई है वो हेल्प करती है। तो चूड़ी काटने के लिए क्या है, उसमें हम टूल को सही तरह से निर्माणित करते रहते हैं। अगला आता है पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ क्या होता है, एक ही जॉब हम जब बनाते रहते हैं, सपोज करिए हमारे पास 500 एमएम का रोड है या 300 एमएम का रोड है, हम चाह रहे हैं कि उसको हम बार बार ना बांधें, तो क्या किया जाता है, हम लैथ मशीन के स्पंडल के पीछे से रोड को अंदर जो है चक में लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, जॉब को काफ़ी लंबाई में लगा लेते हैं, लगा करके फिर कोई भी हम जॉब बना रहे हैं, मान लीजिए टर्निंग वाला जॉब है, एसएनडी टर्निंग वाला है हमारा, या जॉब उसको हमने विभिन्न प्रकार के और ऑपरेशन करने हैं, तो क्या होता है ऑपरेशन करने के बाद एक ही बार में उस सारे ऑपरेशन हो जाते हैं और हम उसको जॉब को क्या करते हैं, जॉब कंप्लीट हो जाने पर उसको हम बीच से काट देते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पार्टिंग ऑफ करना, यानी कि उसको बिल्कुल अलग कर देना। इस प्रकार से क्या होता है कि हमारी बार बार मेहनत जो है बच जाती है और जॉब आसानी से बन जाता है। उसके बाद आता है चैम्फरिंग करना, सारे जॉब की जो प्रक्रिया हो जाती है सब बन जाता है जॉब, तो बाद में क्या होता है जॉब के साइड में क्या होता है, शार्प एज जो है वो शार्प हो जाती है, वो तेज हो जाती है, जब तेज जाती है तो हाथ में लग जाती है, उसमें कभी ऑपरेटर का हाथ भी डैमेज हो जाता है, चोटिल हो जाता है, तो उसको क्या हम उसको चैम्फरिंग द्वारा उस प्रक्रिया को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। तो ये क्या क्या है चैम्फर, द डेफिनेशन ऑफ द चैम्फर इज द 45 डिग्री स्लॉपेड और द एंगल कॉर्नर ऑफ द एज, यानी कि उसके जो साइड में किनारे होते हैं वो किनारों क्या करते हैं, उन किनारों को हम 45 डिग्री एंगल पर, डिग्री पर उनको हम बना देते हैं, तिरछे बना देते हैं, तो जो उसके कोने शार्प होते हैं
तेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो कट जाते हैं और वहां से उसकी धारा वो हट जाती है, जिसकी वजह से जो सुंदर लगने लगता है और उसमें रिमूवल पॉइंट जो हटने से जो भी सुंदर लगेगा। फिर इसके बाद आता है आपका ड्रिलिंग करना। द एक्शन ऑफ द मेकिंग ए होल इज समथिंग बाय बोरिंग विद ए ड्रिल। ड्रिल में क्या होता है, ड्रिल प्रक्रिया वैसे तो हमारी जो है ड्रिल मशीन की प्रक्रिया है, लेकिन लेथ मशीन पर बहुत सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं बाय हेल्प, क्योंकि हमारे लेथ मशीन पर बहुत से साधन सोर्सेस होते हैं जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के इसके अलावा बहुत भी और भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ड्रिल मुख्य रूप से है, तो इसलिए बता रहे हैं एक्शन ऑफ मेकिंग होल इज समथिंग बाय बोरिंग विद ए ड्रिल, यानी ड्रिल के माध्यम से किए गए छिद्र की जो प्रक्रिया होती है वो ड्रिल कहलाती है। इसमें क्या होता है, लेथ मशीन में आपको टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, जो टेलीस्कोप में क्या करते हैं, टेलीस्कोप में हम ड्रिल लगाते हैं। अब ड्रिल भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि फ्लैट स्ट्रेट सेंग वाले हैं, टेपर सेंग वाले हैं। तो टेपर सेंग वाले हैं उनको स्लीव में लगाएंगे और जो स्ट्रेट सेंग वाले हैं उनको ड्रिल चेक में लगाएंगे। ड्रिल चेक में लगा करके स्लीव के माध्यम से क्या करते हैं, टेलीस्कोप को लगा लेते हैं जो रनिंग करता रहता है, रनिंग करने करते और हम जो है चक में जो घूम रहा है और ड्रिल स्थिर रहता है और उसमें हम छिद्र कर लेते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि आपका जो हमने आज की डेट में जो पढ़ा है वो क्या है कि जो हमारा सारांश है इसमें क्या है, द सरफेस रफनेस इंप्रूव विद द इंक्रीज ऑफ द कटिंग स्पीड विथ इंक्रीजिंग फीड इज वेरी अफेक्टेड। द सरफेस रफनेस द फिनिश टर्निंग प्रोसेस द सरफेस रफनेस डिक्रीज एंड ब्लैंक वेयर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द कटिंग स्पीड एज वेल एज डिक्रीज इन द फीड। सारांश में यही हुआ कि इसमें मुख्य रूप से हमारे जो लेथ मशीन होती है उसमें विभिन्न प्रकार के हमने ऑपरेशन उसमें संपन्न हो सकते हैं, संपन्न कराए गए। इस प्रकार से आपने आपने अभी पढ़े हैं इसमें प्लेन टर्निंग, रीमिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, पार्टिंग ऑफ, इस प्रकार से ये सारे ऑपरेशन आपने पढ़ लिए। तो आप ध्यान दें कि इसमें जो हमारा जो मैटर लिया गया है, जो बिंदु लिए गए हैं, जिसको हमने आपको आज ये प्रशिक्षण प्रदान किया है, इसमें आपका ये सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है इस पर आप जाकर के आप विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है रॉयल प्रकाशन, रॉयल प्रकाशन वाली बुक से भी आप इसको टर्नर वाले सभी छात्र ठीक प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, उसमें काफ़ी मटेरियल आपको अवेलेबल होगा। और इसके बाद में गणपत राय एंड पब्लिकेशन, इसमें भी आप बुक्स में जाकर इसमें देख करके भी देखेंगे कि काफ़ी इसको मटेरियल आप उससे मैं आपको विशेष जानकारी के लिए आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। लेथ ऑपरेशंस का परिचय पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया, आशा है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।